हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुड़हल के एक ही पौधे में कई रंगों के फूल खिलाने का तरीका बताऊंगा, वो भी पूरी फ्लावरिंग अपडेट के साथ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ही पौधे में कई रंगों के फूल खिलाने के लिए आपको ऐसे अलग अलग पौधे से पतली पतली ब्रांचेस लेनी है जिसमें अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं। यहाँ मैं तीन रंगों की ग्राफ्टिंग करूँगा, इसलिए मैं तीन अलग अलग गुड़हल के पौधे से एक एक ब्रांच लेकर ग्राफ्ट करूँगा। और रूट स्टॉक के लिए, यानी जिसके ऊपर हमें ग्राफ्ट करना है, वो पौधा देसी गुड़हल का होना चाहिए। अब देसी गुड़हल के ऊपर तीन चार रंगों की या फिर 8-10 रंगों की भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो देसी गुड़हल का जो रूट स्टॉक लिया है, इसमें सिर्फ तीन ब्रांचेस हैं, इसलिए इसमें सिर्फ तीन अलग अलग रंगों की ही ग्राफ्टिंग हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो ब्रांच को आपको ग्राफ्ट करने के लिए लेना है, उसे वी के शेप में दोनों ओर से छीलकर रूट स्टॉक के ब्रांच में फिट करके बांध देना है। इसे बांधते समय आपको ध्यान रखना है, ये ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। आपको इसे इतना टाइट बांधना है जिससे कि यह सायन रूट स्टॉक के ब्रांच में अच्छे से चिपक जाए और इसमें हवा और पानी का प्रवेश ना होने पाए, तभी जो है ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस होगी। सेम इसी तरह से मैंने बाकी ब्रांचेस की भी ग्राफ्टिंग कर ली है। अब मैं इसे दूसरी पॉली बैग में शिफ्ट कर लूँगा, क्योंकि ये प्लास्टिक डैमेज हो चुका है और जड़ें भी बाहर निकल चुकी हैं। दोस्तों, गुड़हल की जो ग्राफ्टिंग है, इसे आप विंटर सीजन को छोड़कर कभी भी किसी भी सीजन में कर सकते हैं। मैंने तो अभी भी समर में कई सारी ग्राफ्टिंग करी हुई है और सभी सक्सेस भी रही, क्योंकि गुड़हल की ग्राफ्टिंग बहुत ही आसानी से सक्सेस हो जाती है। अब ग्राफ्टेड ब्रांच को पॉलीथीन से कवर कर देंगे जिससे ब्रांच की नमी खत्म ना हो। इसे पॉलीथीन से कवर करके शेडी एरिया में, फिर पार्सल शेड में रखेंगे। अगर आप अभी समर में ये ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको इसे फुल शेड में रखना है, बाकी रेनी सीजन में और स्प्रिंग सीजन में इसे पार्सल शेड में रखना है। दोस्तों, ये ग्राफ्टिंग किए हुए मुझे 7 दिन हो चुके हैं और मात्र इन 7 दिनों में ही मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी है, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग रेनी सीजन में की गई थी। लेकिन अगर यही प्रोसेस अभी आप समर सीजन में करते हैं तो इसे सक्सेस होने में महीने भर का समय लग जाएगा। ग्राफ्टिंग के रिजल्ट में कम या फिर ज़्यादा समय का लगना, ये पूरी तरह से मौसम और तापमान पर डिपेंड करता है। जैसा मौसम होगा, समय भी उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा लगेगा। इसके बाद यह 14 दिनों का अपडेट है। अब ये तीनों ब्रांच काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद यह 20 दिनों का अपडेट है। अब ये तीनों ब्रांच रूट स्टॉक के ब्रांच में अच्छे से ग्राफ्ट हो चुका है और इसकी ग्राफ्टेड पॉलीथीन को भी आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। जब पॉलीथीन स्टेम में धंसने लगेगा तब मैं तीनों पॉलीथीन को रिमूव कर दूंगा। अब मैं आपको फाइनल अपडेट दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो अपडेट आप देखने जा रहे हैं, ये 8 महीने का अपडेट है। आज इसमें एक बादामी कलर का फ्लावर खिला है, वहीं दूसरी ब्रांच में एक पिंक कलर का बर्ड खिलने वाला है जो दूसरे दिन खिलेगा। तो चलिए अब दूसरे दिन का भी अपडेट देख लेते हैं। अब ये दूसरे दिन के अपडेट में आप देखिए, आज पिंक कलर का फ्लावर खिल चुका है और कल का खिला हुआ बादामी कलर का फ्लावर मुरझा चुका है। और जो तीसरा ब्रांच है, उसमें फ्लावरिंग के लिए मुझे कुछ और दिन का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो का ग्राफ्टिंग प्रोसेस मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जिसमें फ्लावरिंग अपडेट नहीं था। और आज मुझे आपके साथ फ्लावरिंग अपडेट शेयर करना था, लेकिन वो वीडियो नए व्यूवर्स के लिए किसी मतलब का नहीं रहता, इसलिए मैं कंप्लीट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और जिन व्यूवर्स को यकीन नहीं होता कि एक ही पौधे में कई रंगों की फ्लावरिंग भी हो सकती है, तो वे व्यूवर्स इस वीडियो से एक आइडिया लेकर खुद भी ग्राफ्टिंग करके ऐसी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं अपने व्यूवर से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। आपने इस वीडियो में देखा भी कि फ्लावरिंग अपडेट आने में 8 महीने तक का समय लग गया, और इस मल्टीपल ग्राफ्टिंग में कई महीनों का समय लगता ही है। सिर्फ एक वीडियो के लिए 6 से 8 महीने तक का वेट करना पड़ता है और पौधे की प्रॉपर देखभाल भी करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी टफ है। इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज आगे देखने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तब भी चलेगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।